मंगल कपन है, मतलब जिनका मंगल कब हो, जिनका कल्याण कब हो। प्रभुपाद कहते हैं वास्तव सत्य तखन ही हमारे करा है, करा करा आए है जखन ही हमारा श्री प्रभुपाद पद्म आचरणी गुरु रहे कृष्ण सेवा के जीवन करी तखन परम कल्याण है। कल्याण कब होगा? जब हम वास्तव सत्य को समझे। जब तक हम वास्तव सत्य को नहीं समझेंगे तो तब तक जीव का कल्याण नहीं। बोले भैया वास्तव कौन है? बोले वेद्य वास्तव वस्तु शिवदम। इसलिए भागवत ने बताया जो वास्तव वस्तु केवल भगवान है और हम संतान। इसलिए जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे हमारे कल्याण करने वाले केवल ठाकुर हैं और हमारी संबंध केवल भगवान से ही है और इस दुनिया से किसको साथ में हमारी संबंध नहीं, संबंध केवल भगवान को साथ। इसलिए जब तक हम वास्तव वस्तु का हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम अवास्तव वस्तु को साथ। जब अवास्तव वस्तु के साथ में संबंध जोड़ेंगे, जो अवास्तव वस्तु वो अनित्य है, नश्वर है, जब कोई चीज नष्ट होगा तो इसलिए बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें तीन शब्द आया अतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अतः मतलब क्या? तो जीवन में हम सबके सब शुभ हैं, कोई जगत में दुख नहीं होगा। अतः मतलब क्या? बोले जहाँ तुम्हें सुख ढूंढनी चाहिए हम वहाँ नहीं ढूंढ करके हम गलत जगह पर सुख। बोले कहाँ सुख ढूंढ रहे? बोले दुनिया संसार में सुख ढूंढ रहे, लेकिन सुख कहाँ पर है? बोले भगवान की चरण में, भगवान की चरण में सुख है। इसलिए जब तक हम ठाकुर कथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक वो ब्रह्म, ब्रह्म मतलब क्या है? जब जो स्वयं बड़ी हमें बड़ा बना सकता है, जो स्वयं आनंद स्वरूप वो हमें आनंद बना सकता है, जो स्वयं सुख स्वरूप वो हमें सुख बना सकता है। एक समय एक गुरुजी एक चेले को कथा सुना रहे थे।
कथा सुनाते सुनाते तुम्हें देख बेटा ये संसार में कोई किसका है ही झूठा संसार माया का संसार कोई किसका है ही नहीं संसार में सब झूठा है जगत में जो प्रेम दिखता वो भी झूठा है बोले गुरु जी आप तो घर गृहस्थ नहीं कि आप कैसे बताए बोले बेटा आप सब कुछ बताए हम दुनिया घूमते हैं आप सब कुछ बताए बोले गुरुदेव आपको बताए नहीं मेरी बीवी मेरे बहुत प्यारे जब तक मैं घर में नहीं आता हूँ ना तब तक दरवाजे के सामने बैठे बच्चे तो इतने प्यार करते आपका गुरु जी आप सोच नहीं सकते बच्चा हम इतने प्यार करते और पिता माता को तो मैं प्राण हूँ बोले बेटा ये सब दुख पर से दिखता है बोले गुरुदेव आप तो घर गृहस्थ किए ही नहीं आपको क्या बता रहे और उन्होंने बोले देख बेटा तुम ताज दिखा देता हूँ बोले क्या दिखाए बोले तेरे को मैं एक मंत्र देता हूँ ये मंत्र पढ़ते तुम्हारी शरीर छूट जाएगा लेकिन वो सब सुन पाओ बोल क्या क्या बोल रहे ना सारी बात को तुम सुन पाओ ऐसे मंत्र बोले हाँ बोले जा करके तुम घर में आज बोलना मेरी तबीयत अच्छा नहीं लग रहा अगर कोई इधर उधर हो जाए तो तुम गुरु जी को याद करवा दो याद कर लेना गुरुदेव याद करवा देना और बोल करके ना घर में दो पिलर को बीच में ऐसे गिरना जब तक वो पिलर तोड़े नहीं तब तक तेरे शरीर नहीं निकले उसने सचमुच से ऐसे गया बोले आज मेरी तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है पता नहीं मेरे शरीर में क्या हो रहा है करते करते गुरु जी जो मंत्र दिए थे ना गुरु जी वो मंत्र आम करे थे और ऐसे गिरे दो पिलर को बीच में हाथ पैर हिला कर आखिर के नाक में रुई लगा कर देगा निश्वास ही बचे सबके सब रोने लग गए पत्नी तो बोली हाय रे भगवान अगर मेरे पति रहते तो कम से कम बच्चों को पाल कर लेते हैं मैं कहाँ से पैसा कमाऊँ कहाँ में पालूँ पिता माता बोले हे भगवान मैं हम पूरे रहते रहते ही जवान को क्यों ले बोले तो हम कर ले लेते बच्चों ने कहा अगर हमें ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं था पिता माता कम से कम तो पिताजी घर को पाल लेते बस रोना रोना शुरू हो गया लेकिन गुरु जी ने बताया कहा चला बताया था गुरु जी को याद करवाना भागते भागते गए बोले गुरु जी आपको जो चेला था ना वो चेला ने सही सोच गुरु जी ने ऐसे बहाना के जैसे कुछ नहीं जानते बोले अभी अभी तो आया था अभी तो गया बोले गुरु जी अभी अभी तो आश्रम से गया और जाकर पता नहीं क्या हो गया वही चलो 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 संसार चलते जा करके उन्होंने आकर के उन्होंने जोर जोर का बहाना बना कर नारी को पकड़े तो नारी बुरा बन तो नारी तो बुरा बन रही है राम नाम सत्य हो गया बोले तो गुरु जी ने कहा देखो एक काम कर सकता हो बोले क्या है बोले ये जिंदा हो सकता है तो गुरु जी जिंदा हो जाएगा बोले हाँ बोले गुरु जी जो कुछ करना पड़ेगा ना हम सब कुछ करने की तैयारी आप बताओ करना क्या पड़ेगा बोले काम तो कठिन है बोले कठिन से कठिन काम आप करेंगे आप बताओ करना क्या पड़ेगा एक काम करना पड़ेगा इनकी विनिमय में ना किसको प्राण देना पड़ेगा बस कोई अगर प्राण दे दे तो जिंदा हो जाएगा इतना बोलते ही जो रो रहे ना तो आंखों का आंसू सूख गया प्राण देने का समय आ गया ना प्राण बन देगा सबसे प्यारा तो प्राण है आंखों का आंसू सूख गया अभी कोई रो नहीं रहे बोले किसका बारी आई आप प्राण देने के लिए इतने में बोले उनको पत्नी को बोला तू तो बड़ी छाती पीट पीट कर रो रही थी है बोल रहे थे मैं चली जाती तो बच्चे कम से कम पाल देते इसलिए आप प्राण दे दो बोले गुरु जी पिता माता का मैं और कोई बैठे इसलिए अगर मैं मर जाऊँगा तो फिर क्या होगा पिता माता की इसलिए मरने के बाद कोई जिंदा होते हैं बोलते मर गया तो छोड़ दो ना छोड़ो मर गया तो छोड़ जाने दो तो उन्होंने उनको पिता माता को बोले आप प्राण दे दो आप तो बुढ़े हो कोई मेरे गुरु जी और कितना दो चार साल जिंदा रहेंगे और अच्छे अच्छे कोई चीज देखेंगे अच्छे अच्छे कोई चीज़ खाएंगे एकदम मर गए क्या करेंगे छोड़ो बेटा मर गया छोड़ दो बच्चों को बोले बोले हम तो भी बच्चे हैं अब तो दुनिया में कितना चीज देखना हमें कितना चीज देखना है इसलिए गुरु जी मरने के बाद कोई जिंदा थोड़ी होते छोड़ दो गुरु जी ने बोले कोई प्राण नहीं था बोले गुरु छोड़ दो ना इतने में बोले देखो इसका जो शरीर है वो फंसा पड़ा हुआ है अब इसको शरीर को निकालने के लिए तो जो पिलर तोड़ना पड़ेगा
पत्नी ने कहा गुरुजी पिलर क्यों तोड़ो, पिलर में बने हुए से मैं लाता हूँ तलवार लेता हूँ उसको हाथ पैर काट करके निकाल देगी। उसने सचमुच से उधर जाकर के ना तलवार ले आया, लेकिन वो तो मरा नहीं ना, वो तो जीता है, वो सब सुन रहा है और क्या बोल रहे हैं ना, सारी बात को सुन रहा है। इसलिए उसने बंद कर दो, बंद कर बैठो, बंद कर बैठो। इसलिए बोले गुरु जी तब बुद्ध देखा सचमुच से तो इतना बड़ा तलवार ले आया काटने को कांप रहा था अंदर से। गुरु जी ने कहा एक काम करते हैं, अरे प्राण मैं दे दूँ। बोले गुरु जी आपका तो आगे पीछे कोई नहीं, आप ही बन जाओ, आपका तो कोई आगे पीछे नहीं, आप ही प्राण दे दो, इससे बड़ा पुण्य किया होगा हमसे साथ मिल जाएगा। ठीक है मैं ही प्राण दे देता। इसलिए उन्होंने वो तो मरा ही नहीं था, वो तो वैसे मंत्र पढ़ करके गिरा हुआ था। गुरुदेव उसके छाती के ऊपर हाथ रखे और जो मंत्र पढ़े ना जग गया। जगते ही गुरु जी चल पड़े, उसको पीछे पीछे चला भी चल पड़ा। इतने में कोई बोल रहे हम अब कहाँ जा रहे हो, पिता माता बोल रहे हम कहाँ जा रहे हो, और बच्चे बोल रहे पिताजी हम कहाँ जा रहे हो, पत्नी कह रहे पति जी आप कहाँ जा रहे हो। बोले भैया मैं तो बड़ा अज्ञानी था, मैं सोच रहा था मैंने बड़े प्यार करते हैं सबके साथ, मैंने देखा ही तो फुल प्यार नहीं करता ये तो गुरु जी आप भी मर जाओ है, सब बोल रहे तो मैं क्यों नहीं मर जाऊँ, मैं क्यों नहीं मर जाऊँ, मैं तो बड़े छोटे में जीवन जी रहा था, सोच रहा था सब बच्चे बड़े प्यार करते हैं प्रेम करते हैं, भैया जिसने प्राण दिया मुझे उनके साथ मिला। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जीव का मंगल कहो, जीव का तभी मंगल होगा जीव जब वास्तव वस्तु का समझता है। सही वस्तु क्या है, जब ये सही वस्तु तो जब तक ये जीव नहीं समझे ना तब तक जीव का कल्याण नहीं है। इसलिए हमें सही वस्तु समझनी चाहिए, इसलिए सही वस्तु समझ करके क्या करनी चाहिए, बोले गुरुपाद पद्मों का चरणों को आश्रय करते हुए, बोले गुरु है कृष्ण सेवा के जीवन करी। इसलिए कहते गुरु के बन करके, बोले गुरुदेव का बन करके क्या करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए और किसी की बन करके नहीं है। जिन्हें बोले चक्षुदान दिला जय जन्म जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। गुरुदेव पाद पद्म क्या करते हैं, हमें असली जो चक्षु जो आँख है तो किस चीज की आँख है, हमें जो दुनिया क्या है, भगवान क्या है, संसार क्या है, क्योंकि जो आँखें हमें कौन देते हैं, श्री गुरुपाद पद्म देते हैं। तो जब सही चीज़ को समझते हुए हैं, जब हम संपूर्ण रूप में तन मन धन सब कुछ जब श्री ठाकुर जी के चरण में हम देंगे तो तभी जीव का कल्याण होगा, नहीं तो जीव का कल्याण होने वाले। उसके बाद में प्रश्न करते हैं कृष्ण कहार प्रार्थना सुने, मतलब भगवान किसके प्रार्थना सुनते हैं। भक्तिमन ठाकुर ने क्या बताया, शरण शरणागति हई वे जहार कहार प्रार्थना सुने। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं भगवान उनका ही प्रार्थना सुनते हैं जिसको अंदर में ये छह शरणागति, क्या क्या छह शरणागति है बोलो, क्या क्या छह शरणागति क्लास में हुई नहीं तो बताए नहीं सुनता उसका दिमाग उधर उधर रहता है, अच्छे से बोलो बता अच्छे से ना करते जाते हैं अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार दान सिखाए शरणागति। महाप्रभु इस जगत में अपना धाम परिक्रम को लेकर के आए, क्यों अत्यंत
तब तो फिर तुम लोग प्रेम को देखते हो, जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जिस प्रेम के लिए तरसते हैं और दुर्लभ प्रेम को देने के लिए महाप्रभु आए। बोले वो प्रेम कैसे मिलेगा? बोले जिनके अंदर में ये छह शरणागति है। छह शरणागति क्या है? पहला नंबर दैन्य। दैन्य मतलब होता है अपना को दीन नहीं मानना, अपना को हम कौन है? हम भगवान की दासों का दासों का, गुरु जी की दासों का दासों का दासों का दास है। इसलिए अपना को दीन नहीं मानना। उसके बाद में आत्मनिवेदन, संपूर्ण रूप में ठाकुर के चरण में शरणागति हो जाना। बोले प्रभु आज से मैं आपका और आप मेरे हो, हैं मैं आपका आप मेरे हो, आपके सिवाय जगत में हमारी कोई है ही नहीं, हैं। आत्मनिवेदन से गोपित मतलब जगत में अगर कोई हमें कोई पालन करने वाले हैं कौन ही? बोले भगवान ही हमारा पालन करने वाले हैं। अवश्य रखते हुए कृष्ण विश्वास पालन, भगवान में पूर्ण विश्वास रखनी चाहिए। क्या भगवान जरूर मेरे को रक्षा करेंगे, ठाकुर मेरे को जरूर रक्षा करेंगे। जब ठाकुर दुनिया को रक्षा करते हैं जैसे प्रहलाद के ऊपर भी कितना विपत्ति है, लेकिन वो भगवान को स्मरण करते रहे, जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांटा कर सके जो जगह इसलिए भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास और भक्ति की अनुकूल वस्तु को स्वीकार कर, मतलब जो काम करने पर भक्ति होगी वही काम को ही हम अपना जीवन में करेंगे। जो काम करने पर भगवान गुरु वैष्णव संतुष्ट नहीं होंगे वो काम तो हम नहीं करेंगे। इसलिए कहते जिसको अंदर में यदि ये छह शरणागति आ जाए ना, भगवान आप जो बोलोगे, आप ठाकुर को जो बोलोगे ठाकुर सब बात है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद क्या बोलते हैं इस चीज में? बोले हे कृष्ण हमें अपनार निकट देखे हमार निजेर कौन सुख चाहिए ना। यहाँ प्रभुपाद उत्तर दे रहे, बोले हे ठाकुर जी मैं अपना सुख के लिए हैं, अपना मैं सुख आपसे, मैं अपना कोई भी सुख नहीं चाहता हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, ठाकुर के पास में जाएंगे कोई चीज़ वो चढ़ाएंगे, चढ़ा करके चलेंगे ठाकुर जी इसको साथ साथ में पर्ची रख लेंगे, एक पर्ची भी रख लेते हैं ना। क्या पर्ची है ठाकुर जी? इसलिए 10 रुपया की अब तो माला नहीं तो फल चढ़ा रहा हूँ, अब फिर हमारे काम करना नहीं चल रहा, अब बेटा बेटा पढ़ाई नहीं हुई, शादी नहीं हुई है, अभी हमारी उनकी तबीयत खराब है, हमारे सामने वालों का 2 गाड़ी है, हमारी 1-2 गाड़ी है और हमारे उसका देखो तो 2-3 मंजिल बन गया, अब चार तीन मंजिल। इसलिए हमारे मन में तरह तरह का इच्छा है। यदि जो भक्त है वो तो भगवान से कोई चीज़ की मांग नहीं करते। बोले ठाकुर जी आप तो मेरे प्रभु हो, मैं आपका सेवक हूँ, हमारा जो धर्म आपकी सेवा करना है ज्ञान। लेकिन जब हम ऐसे करेंगे ना ठाकुर को मांगने का जरूरत है, ठाकुर आपके अंदर भगवान कहते ना मैं भक्तों को मैं रक्षा करता हूँ पालना करता हूँ, इसलिए मांगने का जरूरत नहीं। हम मांगेंगे ना ठाकुर को छोटे मोटे चीज़ें मांग लेंगे, लेकिन ये ठाकुर जब देंगे ना छप्पर फाल कर देते हैं। कहते ना जब ठाकुर देते नहीं देते थे, जब देते हैं ठाकुर जी वो छप्पर फाल करके दे देते हैं, और ठाकुर कभी कभी इतना दे देते हैं। कहते ना भगवान अगर 1000 हाथों से दे, अब 2 हाथ से कितना ले सकते हो? अगर वो 1000 हाथों से दे, अब 2 हाथ से कितना ले सकते हो? लेकिन प्रभु तो देते नहीं, लेकिन प्रभु थोड़ी सी परीक्षा करके देते हैं। सुदामा को दिया, सुदामा को दिया है, इतने ऐश्वर्य दिया, सोने को महल बना दिया, लेकिन कब देते हैं? जब आप हजम कर पाओ, भगवान देंगे तो उस चीज़ को आप हजम कर पाओगे, नहीं तो ठाकुर जानते हैं अगर ये सब चीज़ देंगे ना कल तुम्हें माया में फंस नहीं जाए, ये माया में फंस नहीं जाए, जितना थोड़ी बहुत भक्ति कर रहा है वो भक्ति उसको छोड़ नहीं जाए। हाँ जैसे पिता की 2 बच्चे, एक बच्चे का तो पेट बढ़िया है और एक बच्चा का पेट सही नहीं कर पड़ी, अरे भैया क्या करके बताऊँ? जिस बेटा का पेट बढ़िया है ना उसको लड्डू कचौड़ी मालपुआ चला चल खाओ,
और जिस बेटा का पेट सही नहीं उसको पतली खिचड़ी बना कर खिलाए पतली खिचड़ी, लेकिन दोनों ही बच्चे हैं, अगर वो चाहने पर भी जिसका पेट खराब हो चाहने पर भी नहीं भैया मेरे को लड्डू पचड़ दो, भैया नहीं देंगे, क्यों? जानती है इसका पेट अभी खराब है, इसका पेट सही के लिए पतली खिचड़ी भी इसके लिए सही है। हाँ, जब सही पेट हो जाएगा अरे चकाचक खा खूब खा। उसी तरह भगवान देते हैं, ठाकुर जी देते हैं, छप्पर फाड़ करके देते हैं। आप देखो भागवत की जितनी कथा आप सुनोगे ना, ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज, ध्रुव जी को 36,000 साल तक उन्होंने पूरा पृथ्वी का एक छत्र राजस्व प्रभाव खूब भोग। उसके बाद में तेरे और एक वैकुंठ ठाकुर ने, जब तक दुनिया रहेगा तब तक तेरे नाम होता रहेगा, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज हैं, इसलिए सब महाराज हैं, और युधिष्ठिर महाराज, भरत महाराज, सब महाराज है ना। तो जितने मेरे भक्तों का नाम आता है सबके सब महाराज महाराज है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सब भगवान की भक्त महाराज है। और भगवान ये भी कहते हैं, देखो मेरी भक्ति करोगे ना जगत में सबसे सुंदर स्त्री तुम्हें मिलेगी, विश्व सुंदर स्त्री द्रौपदी को देखते भगवान ने उस समय विश्व सुंदरी, हाँ मिस यूनिवर्स होती उस समय, सारा दुनिया तरसते अजोली संभवा, उसको पाने के लिए सब पागल थे, सारा दुनिया पागल था। भगवान बोले अगर सुंदर स्त्री मिलेगा तो और विष्णु जी मेरे भक्तों को वहाँ पर करना भेद कर सकता था, भगवान को भी करने नहीं दिया, लेकिन सुंदर स्त्री मिलेगा तो मेरे भक्तों को। भगवान अपना बहनी को किसको आपकी शादी करवाएगा? अर्जुन से शादी करवाया, सुभद्रा इतनी सुंदरी, इतनी सुंदरी थी, दुर्योधन तो पागल था सारा दुनिया, नहीं है मैं साला बनूंगा तो सबका थोड़ी साला बन सकती अपना भक्त का ही साला बनूंगा, सबका साला में नहीं बनूंगा। इसलिए सुंदर स्त्री उनको मिलते हैं और सुंदर भाई भी उनको मिलते हैं, एक से एक पंच पांडव देखो, एक सुंदर नकुल सहदेव क्या सुंदर थे, अद्भुत सुंदर, क्या बलवान, क्या बुद्धिमान। इसलिए भगवान देते हैं, लेकिन कब देते हैं? परीक्षा, परीक्षा जब हजम करते हैं। ठाकुर जी पता है ये चीज़ देंगे तो ये हजम नहीं कर पाएगा, पहले हजम चेक चेक करके देते हैं ठाकुर। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कहते प्रभु आपसे मैं कुछ भी सुख नहीं चाहता हूँ, आपसे मैं कोई भी चीज़ नहीं चाहता हूँ। इसलिए कहता हूँ न धनम न जन्म न सुंदरी कविता जगदीश काम है, प्रभु आपसे मैं धन जन पुत्र परिवार कविता विद्या कुछ भी नहीं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? मम जन्मनि जन्मनि स्वरे अवतार भक्ति अहिरी, आपके चरण में हमें अनुपाई निष्काम हम भक्ति चरण की हमें सेवा। इसलिए कहते प्रभु आपकी आपसे हम मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं आपसे, कहते अपना जा इच्छा ताही अमार शिवधार्य, मतलब आपकी जो इच्छा है आप अपना इच्छा है पर इच्छा मिलाएगा, मतलब जो आपकी इच्छा है हमारी वही इच्छा है। इसलिए कल सुन रहे थे ना, शिवास पंडित का बेटा मर गया, बेटा मर गया तो दुखी नहीं हुए हैं, वो दुखी नहीं हुए, बल्कि ठाकुर ने दिया ठाकुर ने लिया, हमारे क्या है? कहता है उसकी इच्छा के बगैर के पता भी नहीं हिलता है, जब उसकी इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, बेटा गया तो उसकी इच्छा से लिया, उसने दिया उसने लिया उसने, तब बीच में हम दुखी क्यों होंगे? बीच में हम दुखी के रहेंगे, हम दुखी नहीं होंगे। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा है उसमें मेरा इच्छा है। इसलिए अम्बरीश महाराज के ऊपर में जब श्री दुर्वासा जी ने कृत्या को लिखे किया राक्षस को, अम्बरीश महाराज टस बस नहीं हुआ, क्यों? उनको पता वो हाथ जोड़ कर खड़े हुए, बोले क्यों? अगर ठाकुर की इच्छा के बगैर को पता भी नहीं मिला है, अगर ठाकुर की इच्छा होगा मरने का मैं मरूंगा, अगर इच्छा नहीं होगा ना दुनिया में हमें कोई भी नहीं मर सकता, कोई भी मार नहीं सकता। इसलिए जिस समय द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रहे थे, समय द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रहे थे, दुशासन वस्त्र हरण कर रहा था, उसका पांच पांच पति
इतने इतने बलवान पति हैं जिनके, हाँ जिनके इतने बलवान पति जिनके हैं, हैं एक से एक धुरंधर है, उनको सामने कोई पत्नी का बस्तर हर न करे, पति कभी सहन कर सकते हैं? कभी सहन कर सकते हैं? वहाँ पर तो भीमसेन गदा लेकर खड़े हो गए, बोले जिस भुजाओं से तुम द्रौपदी का बस्तर हर न किया उसी भुजाओं को उखाड़ डालूंगा, हाँ इसी जंगे के ऊपर तुम द्रौपदी को बैठाने के लिए बताया उस जंगे को मैं तोड़ दूंगा। इतना क्रोध आ गया, और इतना जो बलवान, उनके बराबर कोई बलवान नहीं, भीम के बराबर कोई नहीं था, सबका सिर तोड़ देता पूरा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए थे वहाँ पर, कितने भगवान की इच्छा में कितनी इच्छा है मिला, कैसी इच्छा में इच्छा मिला जाए। अभी वहाँ पर श्री युधिष्ठिर महाराज अभी बैठे हुए थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि जो संपूर्ण शरणागत भक्त है ना, शरणागत भक्त है वो जानते हैं किसने की इच्छा के बगैर कुछ होगा ही। उनको ये भी पता था, ये जो द्रौपदी की कृष्ण इनको सखी कहते हैं, कृष्ण इनको अपना सखी कहते हैं, हमको जितने प्यार करते हैं उससे ज़्यादा प्रेम कृष्ण द्रौपदी को कर रहे हैं। जिसको कृष्ण इतने प्यार करते हैं, हरिसभा में कोई लाज जा सकती है? उसको कोई वस्त्र हरण कर सकते हैं? धीरे कहते ना, जाके रहते साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह कई बोल है। इसलिए उनको पूर्ण विश्वास था आपको कृष्ण की इच्छा के बगैर कुछ भी बनने वाले नहीं, कृष्ण जरूर रक्षा करेंगे। लेकिन सब कुछ देख करके भी वो सहन कर रहे थे। क्यों सहन कर रहे थे? कृष्ण जरूर रक्षा करें, और देख रहे थे कृष्ण कब कृष्ण सचमुच से कृष्ण वस्त्र रूप में है। तब युधिष्ठिर महाराज पांच पांडव को देखा, तुम तो इतने उतावला हो रहे थे, तुम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, देख लिया 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 गज सारी खत्म नहीं हुई। देखा ठाकुर ने रक्षा किया कि नहीं ठाकुर ने? इसलिए ठाकुर के ऊपर में विश्वास रखो। इसलिए कहते जो एक भक्त होता है उनका भावना क्या है, कहते अपना जा इच्छा ताहि अमार श्रीभाग्य प्रभु, तेरी जैसे इच्छा है ना, तेरी जैसे इच्छा है तुम्हारा इच्छा ही, ये शिरोधार्य हमारी शिरोधार्य है। ताते यदि अमार कष्ट है ताहि अमार सुख, सी उठने तुम काम पड़ी लगे यहाँ पर कह रहे हैं, बोले प्रभु जी ताते यदि अमार कष्ट है ताहि अमार सुख, अगर आपकी इच्छा से वह कुछ होता नहीं, अगर उसमें कष्ट भी हो ना, हमारे ऊपर कोई कष्ट भी हो प्रभु जी, कहते ही ये अमार सुख, यही अमार सुख है, कष्ट होने पर भी हम उसमें दुखी नहीं होंगे, हम उसमें सुखी रहेंगे। कहते मंगलमय अपना व्यवस्था अमंगल नाई, हम कहते ना मंगल भवन अमंगल हरी, कहते आप मंगलमय में, आपका जो मंगलमय में अच्छी, आप कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हो, आप जो कुछ करते हो मंगल के लिए करते हो, समझ रहे हो? घर से अगर हम कोई निकाल दिया ना, किसके लिए निकाला? हमें ठाकुर जी मंगल के लिए निकाला, भगवान के लिए अमंगल। इसलिए फिर जान बुझ कर फिर संबंध नहीं रखना चाहिए। जब हम एक बार माया से निकल कर के आ गए ना, फिर जान बुझ कर फिर छलांग नहीं लगानी चाहिए, फिर संबंध नहीं जोड़नी चाहिए, फिर क्या होगा? धीरे धीरे माया है ना, धीरे धीरे चौकी पकड़ कर फिर हम संसार में ले जाएगी, फिर तो छोटी पकड़ कर धीरे 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 आप सोचेंगे नहीं हम का उनका भी कल्याण कर सकते नहीं, कल्याण तो ठाकुर ही करेंगे, हम नहीं कर सकते, तो उसको इच्छा का बल कुछ नहीं होगा। अगर हम जब तक हम तैरना नहीं जानते हैं ना, अगर पानी में कूदेंगे तो हम भी डूब के मर जाएंगे, समझ रहे ना? जब तक हम तैरना नहीं जानते, अगर पानी में छलांग लगाओगे फिर डूब कर फिर उसमें मर जाओगे, फिर हम उसमें डूब कर मर जाएंगे। इसलिए साधु सावधान, इसलिए साधु सावधान निकल करके आगे हैं, निकल करके आगे फिर हो गए जैव धर्म, जैव धर्म जैव धर्म देखा था।
एक व्यक्ति का तीन बच्चे थे, व्यक्ति बड़ा कॉन्फ्यूशन था, कभी जिंदगी में कोई दान पुण्य कभी कुछ नहीं करता था, तो जोड़ता जोड़ता था, जोड़ते जोड़ते क्या हुआ उसको, अभी पिताजी का पति का गुण तो पत्नी में आएगा, वो गुण धीरे धीरे पत्नी में आने लगे, वो भी कंजूसी में नहीं, एक पैसा कहीं नहीं, कहीं कहीं सत्संग में नहीं जाते, बोले क्यों, बोले 10 रुपया कहीं देना नहीं पड़ता, इसलिए एक सारे पैसा को कमाए 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 कमाए। अभी बेटों का शादी हुआ, बेटे का शादी हुआ तो फिर उसमें जब बहू बेटे को अंदर में भी पिताजी का गुण आया, फिर धीरे धीरे बेटे का गुण भी बहुओं का अंदर में आया, एक पैसा हाथ से निकले कंजूसी कंजूसी करते करते। जो व्यक्ति साधु संग नहीं करे, दया दान नहीं करे ना, फिर उनका हृदय सुखा हो जाता है। अभी तो उनका हृदय सुख गया, अभी वो सोच रही है बुढ़ापा मरेगा, और उनने एक ही तो पैसा जोड़ जोड़ करके उसने घर में रखा, और ये घर में सारे माल है, ये घर में सारे माल है, इसलिए एक काम करते हैं, अभी उनको अनादर करने लगे, कोई आदर जत्न नहीं। एक दिन वो दुखी होकर के तीनों बच्चों को बुलाया, मैंने देखो बच्चों कभी हम जिंदगी में अच्छे खाएंगे अच्छे पढ़ेंगे क्यों, तो तुम लोगों के लिए मैंने पैसा जोड़ जोड़ के रखा है, तुम लोगों के लिए जोड़ जोड़ पैसा रखा, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देख करके जिनके लिए मैंने इतने पैसा कमा करके रखा, तुम्हारे व्यवहार देख करके हम बड़ा कष्ट होगा। देखो जो बच्चा हमारी सेवा करेगा ना उसको हम पैसे देंगे, बात सुन कर तो बच्चे कुछ भी नहीं बोले, अंदर में चुपचाप रहे, और तीनों बहू तीनों बच्चे मिलकर तो मिट्टी क्या बोले, इनको बुढ़ा पता नहीं अन्याय पर को किसको पैसा देगा नहीं देगा, काम करो इनको तीर्थ कराने का बहाने में घर से भेज दो, घर से बाहर निकाल दो, जब चले जाएंगे ना इसी घर में सारे माल है, फिर ताला तोड़ कर सारे संपत्ति को जीत लेंगे। उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने पिताजी बोले पिताजी आप तो जिंदगी भर तीर्थ नहीं किया, बोले पैसा जोड़ते जोड़ते रहे। अभी हमने सुना कलयुग में नवद्वीप धाम का सबसे ज़्यादा महिमा है, महाप्रभु का धाम, अब क्या नवद्वीप धाम जाकर भी महाप्रभु का धाम दर्शन करके आओ, सुंदर पिताजी को तो बड़ा प्रसन्न बच्चे का सुधर गए, हाँ बोले आपके लिए नाव की व्यवस्था कर देता हूँ, बोले नाव की जरूरत नहीं आप चल कर चले जाएंगे, इतने कॉन्फ्यूज हम चलते चलते चले जाएंगे। तब उनको साथ में एक वैष्णवी तो इन्होंने दे दिया, और जो चल करके नवद्वीप धाम में पहुँचे ना, बाद तीनों बच्चों ने ताला तोड़े और सारे पैसे को लूटे, लूट कर तीनों ने वापस बांट लिया। किसी ने व्यक्ति ने उसी गांव से और नवद्वीप धाम में जाकर पहुँचे, उनको देखा तुम लोग घर छोड़ करके आ गए, तुम बच्चों ने इसका घर तोड़ फोड़ करके सारे पैसा हड़प लिए और आपस में बांट लिए तुमको सारे पैसा, वो कह रहे आप घर पर जाओगे तो उसने नहीं देंगे, अभी तो एक एक पैसा को जोड़ जोड़ करके किए, जिंदगी भर जो रखा खाए नहीं ठीक से पहन नहीं, अगर सारे पैसा तो रोने दोनों ही रोने लग गए, दोनों ही रोने लग गए। इतने में ही उनको साथ में जो वैष्णव थी उन्होंने देखो कभी जिंदगी में संत सेवा नहीं किया, ठाकुर सेवा नहीं किया, पैसा केवल जोड़ते 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 रहे, ये धीरे धीरे बच्चे भो का अंदर में आया, ये सब पाप कर्म है, क्योंकि पैसा लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी भगवान की, अगर ये लक्ष्मी भगवत और वैष्णव सेवा में नहीं लगे तो लक्ष्मी कभी सुख नहीं देते, वो दुख देती है, इसलिए जिंदगी भर कुछ किया ही नहीं। अभी दोनों सोचे देखो हम जिंदगी भर परमेश्वर एक काम करो, यहाँ पर अगर मुद्दी खाना दुकाना खोलते मुद्दी खाना समझते हो, यहाँ पर दाल चावल चीनी सब करके पर दुकान खुलेंगे, और उसमें जो लाभ होगा रोज रोज एक साधु को खुला खुला प्रसाद खिलाएंगे और भगवान की कथा सुनेंगे, यहाँ पर संत लोग हैं कथा सुनेंगे जीवन बिताएंगे। फिर उनने एक जीवन बिताए, फिर कुछ दिन गया ना, फिर मन में मोह आए, जो कुछ होने बोले तो बच्चे ही है, अपना बेटा है तो बेटी है ना, तो देखो घर में जाने की इच्छा करेगा, बोले घर में जाने वो जो वैष्णवी थी, बोले अभी तो सारे संपत्ति लूट के लिए अगर दो बार जाओगे ना चलोगे पैसा कहाँ गया, बोले चांद से मार डाले, चांद से मार डालेगी, इसलिए खबरदार घर की नाम मत लियो, घर की नाम तक भी मत लिया करो, नहीं लेकिन क्या करो भगवान भगवान की भक्ति। इसलिए कहते भगवान जो कहते हैं मंगलमय है, भगवान कभी अमंगल हमारी कर ही नहीं सकते हैं, ये सोचनी चाहिए। इसलिए यही रूप भावे आंतरिक श्रद्धा विशिष्ट हो ले कृष्ण तार सेव कर
निवेदन ग्रहण करे लतवा ग्रहण करे नाम तब जब ऐसे ही आंतरिक आंतरिक मतलब अंतर से जो कुछ भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं कभी बुरे ठाकुर जी कर नहीं सकते क्यों भगवान मंदिर में है। अगर ऐसे भावना श्रद्धा विशिष्ट हो ले ऐसे अगर श्रद्धा को साथ में अगर ऐसे अगर भावना हो तो तार सेवक निवेदन ग्रहण करे अथवा ग्रहण करे ना तभी भगवान उसकी सेवा को ग्रहण करते हैं नहीं तो ठाकुर को ग्रहण करते हैं। इसलिए ठाकुर को साथ इच्छा में इच्छा मिला करके क्या करो भगवान की इच्छा में इच्छा मिला करके करो तो भगवान करते हैं। एक समय तो संत नदी बार करते नदी बड़ी लंबी चौड़ी जब बीच दरिया में नाव पहुंचा ना बड़ी तेजी आधी को बनाने लगी और बड़ी बड़ी लहरी आने लग गई और पानी छलक छलक कर नाव के अंदर घुस रहा था। लोग तो डर रहे थे नाव डूब नहीं जाए उसमें एक संत बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया वैसे तो पानी तो अंदर में घुस रहा था उसने एक जग लेकर के ना फिर पानी को नदी से लेकर के नाव में भर रहा था। लोग बोले क्या पागल हो गया वैसे ही पानी घुस रहा है तो फिर पानी घुसा रहे ठाकुर को इच्छा से इच्छा मिला ठाकुर को इच्छा से इच्छा मिला उसका मतलब क्या है लेकिन जब थोड़ी दूर गई ना आंधी तूफान खत्म हो गई आकाश साफ हो गया फिर जो पानी उनने अंदर में डाला था फिर बाहर निकल गया देखो कैसे पागल जब जरूरत था बाहर निकलने का वो अंदर में भर रहा था तो जरूरत हाँ बाहर हाँ जरूरत नहीं तब वो बाहर निकाल नहीं तो तुम इच्छा क्या कर रहे हो तो ठाकुर को इच्छा से इच्छा मिला रहा हम कहते हैं ना उसको इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं मिलता बोलते हैं ना इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं मिलता ये आंधी तूफान किसीलिए आए किसकी इच्छा ठाकुर की इच्छा पानी अंदर में घुस रहा था किसकी इच्छा ठाकुर की इच्छा जब अंदर पानी घुस रहा था इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी और भी इतना पानी आ गया लेकिन ठाकुर को इच्छा नहीं नाव डूबने का आकाश साफ हो गया इसलिए पानी बाहर निकल इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ठाकुर को इच्छा में इच्छा को मिला दो मिला कर क्या करो मिला कर भगवान भजन करो ऐसे जो निष्कपट रूप में ऐसे भक्ति साधन भजन करते हैं भगवान जरूर उसकी इच्छा को पूरी करते हैं और उनकी बात को ठाकुर जी सुनते हैं। पिताई गौर बेमान Rama, 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 Rama.
हरि बोल हरि।